वालेकुम एवरीबॉडी, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो आज मेरा रिटर्न का टाइम आ गया है, तो मैं जाना वापस जम्मू। और इस वक्त मैं हूँ डोडा में, और सुबह का मौसम है और काफ़ी ठंडा मौसम है इस वक्त, और पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ चुकी है, यानी इसका मतलब यहाँ पे बर्फ़ अभी 1 महीने में आने वाली है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो पहाड़ों पर इस वक्त हालात है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कितनी मतलब थोड़ी सी बर्फ़ थी, आज आप देख सकते हो कि काफ़ी बर्फ ऊपर पड़ चुकी है। ये आप देख सकते हो कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है ऊपर, उस साइड देख सकते हो आप मौसम कैसा हो चुका है। और वो देखो बर्फ पड़ चुकी। ब्लॉग रहेगा हमारा डोडा से जम्मू का, और जम्मू में जो आज पूरा दिन हमारे साथ होगा, यानी जो पूरा दिन करेंगे उसका भी ब्लॉग बनेगा। तो आप जुड़े रहो, साथ रहो, उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए खुश रहो, खुशहाल रहो। तो गाइस अभी मैं हो चुका हूँ तैयार, और ये आप देख सकते हो। तो अभी मैंने निकलना है यहाँ से, तो एक कोई गाड़ी कोई भी जो है मेटाडोर जो मिल जाएगी उसमें मैंने वाला जाना है। उससे पहले मैंने करना है ब्रेकफास्ट, घर वालों को करना है अलविदा, और एस्टिमेट टाइम के हिसाब से अगर मैं पहुँचता हूँ तो फिर बहुत अच्छी बात है, टाइम पर पहुँच जाऊँगा। नहीं तो फिर अगर रास्ते में काम लगा हुआ, क्योंकि यहाँ रोड का काम चल रहा है जिस वजह से मैं लेट भी हो सकता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा आज मेरे साथ, जल्दी पहुँचूँगा या लेट पहुँचूँगा, तो ऊपर वाले के हाथ में। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहो, साथ रहो, सपोर्ट करो। फाइनली गाइस हम निकलने वाले हैं और हम करें माइडो का वेट। तो ये देखो मैं पूरा तालिबान की तरह तैयार हो चुका हूँ, गाड़ी में से सर बाहर नहीं निकालना और कोई कुछ खाने के लिए दे तो नहीं खाना है, ये मेरे डायलॉग है। तो यहाँ मेरे लिए सभी आए हुए हैं, दीदी दादा, और ये हम रुके हैं, बाकी सारे अंदर हैं। और यहाँ देखो मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है और मुझे ज़्यादा ना तूफान ना आए। तो तब तक के लिए जुड़े रहो। अभी मैं पहुँच चुका हूँ बाला, तो यहाँ काफ़ी अच्छी खासी ठंड है और बारिश है, बेहतरीन मौसम भी है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो, ये आप देख सकते हो एकदम चकाश ठंड। और यह है बाला सिटी। हाँ अभी मैंने यहाँ से लेनी है सीधा जम्मू की बस, अगर मिलती है तो ठीक है, वरना पुल डोडा जाएंगे। और तो भाई जी मेरा भाई बड़ा मतलब रिश्ते में आता मेरे। और ये यहाँ का मौसम आप देख सकते हो, इतनी ठंड है, मेरे हाथ कांप रहे हैं यार। तो अभी मैं पकड़ूंगा पुल डोडा के लिए वो गाड़ी, वहाँ से मैंने पकड़नी है जम्मू के लिए। और एक चीज़ मुझे सर्दियों की ये बड़ी मतलब बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये सर्दियों में मैं हो जाता हूँ कोहरा। तो आप मिलते हैं आपसे पुल डोडा में, तब तक के लिए जुड़े रहो। जल्दी का पहुँचने वाला हूँ, एस्टिमेट तो मैंने 2 बजे लगाया हुआ, लेकिन मैंने सबसे 3 से 4 तो मुझे छाएंगे घर पहुँचते, और मुझे लगता नहीं मैं देश के पास जल्दी पहुँच पाऊँगा। बाकी देखते हैं ऊपर वाले की कृपा से जो होगा वो देखा जाएगा, हम क्या ही बोल सकते हैं ना। आप बस जुड़े रहो, उम्मीद करूँगा ये वाला आपको पसंद आएगा। तो गाइस बारिश की वजह से जो आगे से जिस रोड पर मतलब बस चलती है वो होती बंद, जिस वजह से जो बस थी वो डोडा ऊपर से, जैसे कि जो पुल डोडा था
उसने वो पिक्चर क्रॉस किया और दूसरे पिक्चर वो सेट आ रही है, इसमें मेरा आधा एक घंटा और वेस्ट हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ मौसम अच्छा खासा खराब है, बारिश अभी भी हो रही है। एक व्यू तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो गाइस अभी अपन लोग के असर बगर और अभी हम खाना खाने के लिए, खाना खाने नहीं मतलब कुछ चाय शाय पीने के लिए रुके हैं और यहाँ हो रही है बारिश, ठीक है, काफ़ी तेज़ बारिश है और मतलब मेरे वेशभूषा से ही देख लो ठंडी थी। आपको मैं आगे का माहौल दिखा देता हूँ, कितना मतलब तगड़ा मौसम ख़राब है। तो ये देख लो आप हालत खराब है, इधर तकड़ी वाली वहाँ देखो। गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ चेन्नई, ठीक है, जैसे कि मैं चेन्नई और भी बारिश है, मुझे लग रहा है ऐसे मतलब जैसे कि जम्मू से लेकर पंजाब हर जगह मौसम ख़राब ही ख़राब है, लेकिन पीछे के मुकाबले यहाँ मौसम फिर भी ठीक ही है। यहाँ बारिश तो है लेकिन उस हिसाब से नहीं है, बट मौसम बहुत बहुत ज़्यादा खराब है, पीछे तबाही उठ रही है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का मौसम, ये आप यहाँ का मौसम देख सकते हो, यहाँ के मौसम में भी वही हालात है जो पीछे थी, पर पीछे की बारिश काफ़ी ज़्यादा थी इस यहाँ के मुकाबले। तो जब मैं घर पहुँचूँगा देखते हैं वहाँ की क्या हालत होगी, तब तक के लिए सारे जुड़े जम्मू। हाँ इधर इधर भी ठंड है थोड़ी बहुत,
और मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी ऐसे आपको, तो थोड़ा थोड़ा चिल्ला के बोलता हूँ। यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, बट है थोड़ी बहुत, उधर के मुकाबले तो नहीं उतनी नहीं है। बाकी मेरी तो हालत ख़राब है, कहीं बैठ के चाय पीनी पड़ेगी। तो घर चलते हैं, घर चल के मैं आपको घर नहीं, इसके बाद देखता हूँ। मैंने भूतेश के घर जाना है यार, मुझे ये भी नहीं पता उसकी शादी है काम, ऊपर वाला जानते आगे होने क्या वाला। तब तक के लिए जुड़े रहो यार। अभी चले हम लोग भूतेश के घर, वैसे उसको फ़ोन तो किया था लेकिन पता लगा कि वो शायद इधर अब कोई नहीं है, सभी जा चुके हैं, बट एक बार देख लेते बाहर जाके कि क्या सीन है, क्योंकि दोस्त है मेरा ये, मुझे बिल्कुल भरोसा तो होता नहीं है। तो जुड़े रहो, देखते हैं आगे। तो यार मुझे यहाँ लग तो नहीं रहा कि कोई है, पॉसिबल नहीं है कोई होगा। ना यार कोई नहीं है यहाँ पर, तो कोई था नहीं। चलते हैं वापस, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहूँगा, साथ ही साथ मुझे घर जाना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेड टांगे जवाब दे चुकी हूँ इस वक्त। हाँ तो आप लोगों से घर में मिलते हैं। हम मेन हाईवे पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का, तो मुझे भूख लगी थी और मैंने मोमोज खाए, वो भी चिकन वाले, और अभी गाड़ी का वेट करें मेन हाईवे पे। तो मुझे लगता है शायद से मुझे गाड़ी मिल चुकी है या मिलने वाली है, वो आप देख सकते हो ब्लू कलर की जो अब आने लगी है। अब मैं आपसे सीधा ही मिलता हूँ चेन्नई में, चलो कह रहे टाटा बाय बाय। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं चेन्नई अपने एरिया में, तो अभी मैंने जाना है सीधा, अब कर ही जाऊँगा और कहाँ जा सकता हूँ, ये तो फाइनल चीज़। तो मैं करूँगा आपको व्लॉग पसंद आएगा, आना आना भी चाहिए है ना, इतनी मेहनत से जो बनाया है। तो अगर तुम आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो और सपोर्ट दिखाते रहो बस अपना मेरे साथ। तब तक के लिए सबको अलविदा।